हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको जीके पसंद है, सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर जानना पढ़ना अच्छा लगता है, और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या क्विज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक जीके रिलेटेड क्वेश्चंस जो है उसके वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि नॉलेज जो है वो शेयर करने से हमारा और बढ़ता है। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक पे। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एनिमल क्विज क्वेश्चंस है। इसका पार्ट वन है, जानवरों के बारे में रोचक जानकारियों पर आधारित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी है। क्वेश्चन नंबर वन, विच इज़ द फास्टेस्ट रनिंग एनिमल ऑन लैंड। जमीन पर सबसे तेजी से दौड़ने वाला जानवर कौन सा है, चीता, लेपर्ड या लायन? तो इसका सही आंसर है चीता। कोई भी अगर आंसर आपको पता होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। चीता जो है वो अफ्रीका में पाया जाता है, नेचुरल हैबिटेट उसका अफ्रीका है। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द फास्टेस्ट एनिमल इन वाटर। पानी में सबसे तेज जानवर कौन सा है, तो ब्लू व्हेल, सील फिश या डॉल्फिन? तो इसका सही आंसर है बी, सेल फिश। ठीक है, बी है सेल फिश, ये जो है ये एक सेल फिश है। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे विच इज द डीपेस्ट डाइविंग एनिमल। ठीक है, सबसे गहरा मतलब गहरे पानी में डाइव करने वाला जो जानवर है वो कौन सा है, विच इज द डीपेस्ट डाइविंग एनिमल? डॉल्फिन, शार्क या कुवियर्स बीक्ड व्हेल्स? तो इसका जो सही आंसर है वो है बीक्ड व्हेल्स। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये कुवियर्स बीक्ड व्हेल है, जो कि विच इज़ द डीपेस्ट डाइविंग एनिमल। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल। सबसे मजबूत सबसे ताकतवर जानवर कौन सा है, डंग बीटल, गोरिल्ला या एलिफेंट? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ये है डंग बीटल। ठीक है, ये जो है ये डंग बीटल है और ये सबसे मजबूत जानवर है। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द हैवीएस्ट स्पाइडर। सबसे बड़ी और सबसे भारी मकड़ी कौन सी है, वुल्फ स्पाइडर, एंट स्पाइडर या गोलियत बर्ड ईटर? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है गोलायत बर्ड ईटर। ठीक है, ये जो है ये एक स्पाइडर है, मकड़ी है, जो कि सबसे बड़ी और सबसे भारी भी है। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द टॉलेस्ट एनिमल। सबसे लंबा जानवर कौन सा है, एलिफेंट, जिराफ या कैमल? तो इसका सही आंसर आई थिंक सबको पता है, वो है जिराफ। ठीक है, जिराफ जो है वो सबसे टॉलेस्ट एनिमल है। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड। सबसे स्मॉल बर्ड कौन सी है, स्मॉल पक्षी कौन सा है, सबसे छोटा पक्षी, पैरट है, कोयल है या बी, हमिंग बर्ड? तो इसका सही आंसर है बी, हमिंग बर्ड। ठीक है, बी, हमिंग बर्ड। एंड आपसे एक मैं क्वेश्चन मतलब बताना चाह रही हूँ, एक और आंसर, कि विच बर्ड कैन फ्लाई बैकवर्ड। ठीक है, तो वो भी हमिंग बर्ड है, ये देखिए सबसे छोटी बर्ड है, हमिंग बर्ड, बी, हमिंग बर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट। सबसे छोटा कीट कौन सा है, इंसेक्ट, हाउस फ्लाई, हनी बी या फेरी फ्लाइज? तो इसका जो सही आंसर है वो है फेरी फ्लाइज। ठीक है, हाउस फ्लाई मतलब जो मक्खी है, हनी बी जो मधुमक्खी होती है, और फेरी फ्लाइज। ठीक है, ये जो फेरी फ्लाइज है सबसे स्मॉलेस्ट इंसेक्ट है, ये देख लीजिए ये इस तरीके से कुछ दिखती है फेरी फ्लाइज। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ द फास्टेस्ट रनिंग बर्ड। कौन सा पक्षी सबसे तेजी से दौड़ता है, कीवी, ऑस्ट्रिच या इमू? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रिच। ठीक है, ऑस्ट्रिच जो है सबसे पक्षियों में सबसे फास्टेस्ट जो है वो दौड़ता है, और सबसे बड़ा बर्ड पक्षियों में ऑस्ट्रिच ही है।
ठीक है, ये है ऑस्ट्रिच। क्वेश्चन नंबर 10, विच वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट हैज द शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन। ठीक है, कौन सा वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट का जीवन काल सबसे कम होता है। ठीक है, वर्टिब्रेट्स जिनको रीढ़ हड्डी होती है, इनवर्टिब्रेट्स जिनको रीढ़ हड्डी नहीं होती है। तो मिला करके जो एनिमल है सबसे जीवन काल जिसका कम होता है, एडल्ट मे फ्लाइज, मॉस्किटो या अर्थवर्म। तो इसका जो सही आंसर है वो है अडल्ट फ्लाइज। ठीक है, अडल्ट मे फ्लाइज जो है, ठीक है, वो जो है सबसे उसका जो जीवन काल है वो बहुत कम होता है। ये देखिए, मात्र एक दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द डीपेस्ट डाइविंग बर्ड। सबसे गहरा डाइविंग जो बर्ड है वो कौन सा है। ठीक है, इसके पहले जो हमने देखे थे जो वेल था, ठीक है, ये मैं बताना चाह रही हूँ, ये सबसे गहरा डाइविंग जानवर था। ठीक है, ये एनिमल था। अब ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे वो है विच इज़ द डीपेस्ट डाइविंग बर्ड। ठीक है, सबसे गहरा डाइविंग बर्ड कौन सा है, डक, एम्परर पेंगुइन या फ्लेमिंगो। तो इसका जो सही आंसर है वो है एम्परर पेंगुइन। ठीक है, ये जो है सबसे डीपेस्ट डाइविंग बर्ड है, पानी के अंदर तक गहराई में जाती है पेंगुइन, एम्परर पेंगुइन। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ द स्मॉलेस्ट मैमल। सबसे छोटा स्तनपाई जो कौन सा है, बम्बलबी बैट, रैट या स्क्विरल। तो इसका जो आंसर है वो है बम्बलबी बैट। ये सबसे छोटा स्तनपाई है, एनिमल है, मैमल है। ये देखिए, ये है बम्बलबी बैट जो कि सबसे छोटा सा मैमल है, छोटा सा, सबसे छोटा स्तनपाई। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ द लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, एलिफेंट, हिप्पोपोटामस या ब्लू वेल। तो फ्रेंड्स, आई थिंक ये सबको आंसर पता है, दैट इज़ ब्लू वेल। ठीक है, ब्लू वेल जो है वो सबसे बड़ा एनिमल है ऑन अर्थ। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज़ द लार्जेस्ट एनिमल ऑन लैंड। ठीक है, दोनों में फ़र्क देखिए कि ये जो है ये अर्थ में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा जीव कौन सा है, पानी में भी और पानी के बाहर भी। सबसे बड़ा तो पूरे अर्थ में सबसे बड़ा ब्लू वेल है। अब मैंने पूछा है विच इज़ द लार्जेस्ट एनिमल ऑन लैंड, सिर्फ लैंड में रहने वाला, ज़मीन पर सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, जिराफ, अफ्रीकन बुश एलिफेंट या ग्रिजली बेयर। तो इसका सही आंसर है अफ्रीकन बुश एलिफेंट। ठीक है, ये अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीकन बुश एलिफेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ द मोस्ट पॉइजनस फ्रॉग। सबसे जहरीला मेंढक कौन सा है, गोलायत फ्रॉग, गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग या ट्री फ्रॉग। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग। ये बहुत ही पॉइजनस फ्रॉग होता है, इसे मतलब इसके स्किन को भी छूने से पॉइजन चढ़ जाता है। तो ये जो है ये गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग है, क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बर्ड। सबसे लंबी दूरी की यात्रा कौन सा पक्षी करता है, आर्कटिक टर्न, फ्लेमिंगो या क्रेन। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है आर्कटिक टर्न। ठीक है, सबसे लंबी दूरी की यात्रा ये पक्षी करता है। ठीक है, माइग्रेशन जो है सबसे दूर ये वाला पक्षी जो है आर्कटिक टर्न वो करता है। ये देखिए, ये है आर्कटिक टर्न। क्वेश्चन नंबर 17, इन व्हाट जियोलॉजिकल पीरियड डिड बर्ड्स इवॉल्व। किस भूगर्भीय काल में पक्षी विकसित हुए। ठीक है, कौन से जियोलॉजिकल पीरियड में जो पक्षी हैं वो विकसित हुए थे, जुरैसिक, ट्रायसिक या परमेन। तो इसका जो सही आंसर है वो है जुरैसिक पीरियड में पक्षी विकसित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द हार्डेस्ट टिश्यू इन अ मैमल्स बॉडी। स्तनधारियों के शरीर में सबसे कठिन जो ऊतक है वो क्या है, जो टिश्यू बोलते हैं, सबसे हार्डेस्ट टिश्यू जो है वो क्या है, लिप, इनेमल, तामचीनी या टंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है इनेमल।
ठीक है, तामचीनी। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी हार्ट्स डज एन ऑक्टोपस हैज़। ऑक्टोपस जो है उसके कितने दिल होते हैं, ठीक है, तो 4, 3 या 2, तो इसका सही आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द एनिमल। आपको आइडेंटिफाई करना है जो एनिमल है वो कौन सा एनिमल है, तो यह है ऑक्स, बफलो या याक, तो इसका सही आंसर है यह है याक। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ दीज मैमल्स ले एग। इनमें से कौन सा स्तनपाई अंडा देता है, ठीक है, मैमल जो है वो अंडा देता है, इचिंडा, सील या वॉलरस, तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है इचिंडा। इचिंडा है ये जो दिख रहा है, ये जो एनिमल है दैट इज़ अ इचिंडा, ठीक है, ये एक मैमल है और मैमल कभी अंडा नहीं देते, पर ये जो मैमल्स हैं ये अंडे देते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। एक तो इचिंडा है और ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, मैं इलाज करके बताती हूँ, ये इचिंडा है और ये जो है ये प्लैपेटस है, ये भी अंडे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज़ द लार्जेस्ट एम्फीबियन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा उभयचर कौन सा है, ठीक है, एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग हो गया, टोड हो गया, ठीक है, तो उसमें से सबसे बड़ा जो एम्फीबियन है वो कौन सा है, चाइनीज जायंट्स, सेलमेंडर्स, टोड्स या फ्रॉग्स, तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है चाइनीज जायंट्स, सेलमेंडर्स, ठीक है, ये जो है ये एक चाइनीज जायंट्स सेलमेंडर है और ये एक एम्फीबियन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई द एनिमल। आपको आइडेंटिफाई करना है ये जो एनिमल है, ये है बैक्ट्रियन कैमल, डेजर्ट कैमल या हॉर्स है, तो इसका सही आंसर है ये है बैक्ट्रियन कैमल, ठीक है, ये है बैक्ट्रियन कैमल। क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द एनिमल। आपको आइडेंटिफाई करना है ये जो एनिमल है वो कौन सा एनिमल है, तो ये है आर्मडिलो, एंट ईटर या पोंगोलिन, तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है ये है आर्मडिलो, ठीक है, ये क्या है आर्मडिलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द वेल स्पीशीज, ठीक है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो वेल है उसका नाम क्या है, कौन सी स्पीशीज है वेल्स में, अच्छे से देखिए, किलर वेल है, ब्लू वेल है या स्पर्म वेल है, तो ये है एक किलर वेल, ठीक है, ये जो है ए, ये जो है ये है एक किलर वेल है, ठीक है, आंसर इसका ए है। क्वेश्चन नंबर 26, विच एनिमल डज नॉट स्लीप। कौन सा जानवर सोता नहीं है, ठीक है, तो कौन सा जानवर सोता नहीं है, बुल फ्रॉग, एलिफेंट या जिराफ, तो इसका सही आंसर है वो है ए, बुल फ्रॉग, ये एक फ्रॉग है, ये देखिए ये सोता नहीं है, ठीक है। और क्या आपको पता है कि कौन सबसे ज़्यादा सोता है, तो कोआला बियर जो है वो भी बहुत ज़्यादा सोता है। क्वेश्चन नंबर 27, ग्वाटेमाला अ नॉर्थ अमेरिकन कंट्री हैज़ अ करेंसी नेम्ड आफ्टर दिस बर्ड, ठीक है, ग्वाटेमाला एक उत्तरी अमेरिका देश है और इस पक्षी के नाम पर एक मुद्रा है, ठीक है, ग्वाटेमाला जो है एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है और वहाँ की जो करेंसी है, ठीक है, एक बर्ड के नाम पे है, तो क्विट्ज़ल, स्काईलार्क या पैरट, तो आपको आंसर बताना है क्विट्ज़ल, स्काईलार्क या पैरट, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है क्विट्ज़ल, ठीक है, क्विट्ज़ल जो है वो ग्वाटेमाला जो कि एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी भी है और उसी के नाम से जो करेंसी का नाम भी पड़ा हुआ है, ये देखिए ये जो है ये एक बर्ड है, इसका नाम है क्विट्ज़ल और ये ग्वाटेमाला जो कि नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है उसका ये एक स्टेट, ये एक बर्ड है, कंट्री का जो है वो बर्ड है, पक्षी है, और ये जो है ये देखिए आप देख रहे होंगे करेंसी पे ये बर्ड भी है और ये ग्वाटेमाला का करेंसी है, ठीक है, तो वहाँ की ये एक ग्वाटेमाला का राष्ट्रीय पक्षी है ये। क्वेश्चन नंबर 8,
28 झींगे का दिल कहाँ होता है? वेयर इज़ द हार्ट ऑफ द श्रिम्प? श्रिम्प मतलब कि जो प्रॉन्स होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा झींगा, ये जो है ये झींगा है, ठीक है, ये आपने बहुत कभी मार्केट वगैरह में देखा होगा, फिश मार्केट वगैरह में। तो आपको बताना है इसका जो हेड, इसका जो हार्ट होता है वो कहाँ होता है? हेड में होता है, स्टमक में होता है या टेल में होता है? तो फ्रेंड्स इसका जो हार्ट होता है, ठीक है, इसका जो हार्ट होता है वो कहाँ होता है? इसके हेड पे, ठीक है। यह सच है, झींगा का दिल उसके सिर पर स्थित है। वास्तव में झींगे का दिल सिर के ठीक बाद उसके छाती पर स्थित, उसके छाती कारण पर स्थित है, लेकिन यह उसके सिर में स्थित लगता है क्योंकि सिर और छाती पूरी तरह से केवल एक एक्सोस्केलेटन के साथ कवर किया गया हुआ है। तो इस वजह से ऐसा लगता है कि उसका जो हार्ट है वो हेड पे है, ठीक है। तो हेड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो रेप्टाइल्स? ठीक है, किस महाद्वीप में कोई भी सरीसृप नहीं है, रेप्टाइल्स नहीं है, स्नेक्स वगैरह जो है वो नहीं है? तो एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप? तो इसका सही आंसर है ए, एंटार्क्टिका, ठीक है, वहाँ पर रेप्टाइल्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, विच कंट्री हैज़ बर्ड इमेज ऑन हिज करेंसी? किस देश में उसकी मुद्रा पर पक्षियों की छवियां हैं? चाइना, भूटान या श्रीलंका? तो फ्रेंड्स अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग सा ये क्वेश्चन है। विच कंट्री हैज़ बर्ड इमेजेस ऑन हिज करेंसी? किस देश में उसकी जो मुद्रा पर पक्षियों की छवियां हैं? चाइना, भूटान या श्रीलंका? तो इसका जो सही आंसर है वो है श्रीलंका, ठीक है। ये देखिए श्रीलंका के जो करेंसी है ये आप देख रहे होंगे, बर्ड्स हैं सभी करेंसी पे, और बटरफ्लाई भी श्रीलंका की करेंसी में आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बने रहिए मेरे साथ जीके रिलेटेड वीडियोस के लिए। बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।